हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल आज का हमारा वीडियो है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसी इंजन पार्ट फाइव तो एक से चार पार्ट मैंने बना दिए हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए ये पांचवा पार्ट है सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है द मेजर लॉस इन सी आई एंजिन इज तो सी आई एंजिन में फ्रेंड्स जो तो सबसे ज़्यादा मेजर लॉस होता है वो होता है लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ओके फ्रेंड्स एंड अगर एसआई SI इंजन की बात करें मेजर लॉस इन एस आई एंजिन दैट इज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्चुअल एस आई एंजिन द पंपिंग लॉस विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड अब यहां पे पंपिंग लॉस एंड स्पीड का यहां पे बताया है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे पंपिंग लॉस जो है वो डिक्रीज होगा ओके फ्रेंड्स सो यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीज ओके okay? जैसे स्पीड इंक्रीज होगी पंपिंग लॉस डिक्रीज होगा तो 22 जो है उसका आंसर है बी नेक्स्ट इज इन पेट्रोल इंजिन द एक्चुअल प्रेशर डेवलप्ड कंपेयर टू द प्रिडिक्टेड मैक्सिमम प्रेशर अब यहाँ पे जो कंपेरिजन है वो है पेट्रोल इंजिन एक्चुअल प्रेशर डेवलप्ड कंपेयर टू प्रिडिक्टेड मैक्सिमम प्रेशर विच इज सी फिफ्टी परसेंटेज ओके जो एक्चुअल प्रेशर डेवलप होता है वो प्रिडिक्टेड मैक्सिमम प्रेशर से 50 परसेंटेज जनरली रहता है ओके नाउ नेक्स्ट इज द एनर्जी रिलीज इन एक्चुअल साइकल इज अबाउट ऑफ द फ्यूअल इनपुट जो फ्यूअल इनपुट करते हैं उसमें से कितना परसेंटेज एनर्जी रिलीज होती है सो फ्रेंड्स यहाँ पे 90 परसेंटेज एनर्जी रिलीज इन एक्चुअल साइकिल अबाउट द फ्यूअल इनपुट देन नेक्स्ट इज द एक्चुअल एफिशियंसी ऑफ गुड इंजिन इज अबाउट ब्लैंक ऑफ द एस्टिमेटेड एयर फ्यूअल साइकिल एफिशियंसी तो यहाँ पर दो चीज़ है एस्टिमेटेड एयर फ्यूअल साइकिल एफिशियंसी एंड यहाँ पे है एक्चुअल एफिशियंसी सो एक्चुअल एफिशियंसी इज अराउंड एटी फाइव परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड एयर फ्यूअल साइकिल एफिशियंसी सो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा बी ओके फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एफिशियंसी एंड फ्यूअल साइकिल एफिशियंसी फॉर सी आई एंजिन यहाँ पे सी आई एंजिन की बात की है एक्चुअल एफिशियंसी एंड फ्यूअल एयर साइकिल एफिशियंसी का रेशियो तो वो रेशियो होता है पॉइंट सिक्स टू पॉइंट एट ओके सो नेक्स्ट इज फ्यूअल एयर एफिशियंसी इज लेस देन एयर स्टैंडर्ड एफिशियंसी बाय अमाउंट ऑफ इक्वल टू तो फ्यूल एयर साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी से कितनी कम होती है सो so, यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो किस किसके कारण हो रहा है तो लॉस ड्यू टू स्पेसिफिक हिट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम सो यहाँ पे भी आंसर आएगा सी ओके सो यहाँ पे फ्यूल एयर साइकिल एफिशियंसी इज लेस देन एयर स्टैंडर्ड एफिशियंसी बाय द अमाउंट ऑफ इक्वल टू सी लॉस ड्यू टू द स्पेसिफिक हिट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने आगे देखा था कि ऐसा ही इंजिन में जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो उसका मेन रीजन है ये ओके नाउ ट्वेंटी एट डीजल इंजिन हैज़ यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे आंसर है सी थ्री वाल्व ओके डीजल इंजिन में कितने वाल होते हैं थ्री लेकिन जैसे मैंने नेट में सर्च किया गूगल में सर्च किया तो उसमें मुझे ये सेंटेंस मिला कि डीजल इंजन जो है वो यूजुअली हैज़ अ फोर वाल्व फोर वाल्व मतलब कि टू इनटेक वाल्व एंड टू एग्जॉस्ट वाल्व कॉमनली एवरी सिंगल सिलेंडर कैन यूज़ आइदर टू वन इनटेक एंड वन एग्जॉस्ट और फोर वाल्व बट उसके बाद मैंने ये भी देखा कि कई कई इंजन जो है सी आई एंजिन उसमें दो इनलेट वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व भी रहता है सो so यहाँ पे जो आंसर दिया है वो सी दिया है फ्रेंड्स ओके नाउ ट्वेंटी नाइन इन फोर स्ट्रक पेट्रोल इंजिन द इनलेट वाल्व अब यहाँ पे ये जो है अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में है तो सबसे पहले हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम में आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पे ये ऐसा ही इंजिन के लिए है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे इनलेट वाल्व जो है वो 20 या तो 30 डिग्री बिफोर ओपन होता है ठीक है 20-25 डिग्री बिफोर टी डी सी यहाँ पर ओपन होता है उसके बाद क्लोज़ कब होता है तो 35 डिग्री आफ्टर बी डी सी उसके बाद यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होता है और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो है स्पार्क ठीक है तो जनरली 30-35 डिग्री बिफोर टी डी सी स्पार्क होता है और उसके बाद यहाँ पे ये जो है पावर स्ट्रोक रहता है या तो एक्सपानसन स्ट्रोक रहता है एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कहाँ पे होता है तो 25 डिग्री बिफोर बीडीसी ओके एंड अगेन यहाँ पे आगे जाते हैं तो ये क्लोज कब होता है एग्जॉस्ट वाल 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी ठीक है सो so, इस तरह से पूरा वाल टाइमिंग डायग्राम फॉर पेट्रोल इंजिन मैंने आपको बता दिया है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इन फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन इनलेट वाल्व तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इनलेट वाल्व जो है वो कब ओपन हो रहा है तो इनलेट वाल्व जो है वो 35 डिग्री बिफोर टीडीसी एंड 30 या तो 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी तो यहाँ पे क्या आंसर है वो देख लेते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ओपन एट ट्वेंटी डिग्री बिफोर द टी एंड क्लोज एट फोर्टी डिग्री आफ्टर बी ओके सो यहाँ पर जो आंसर है वो है बी ओके नाउ थर्टी द इनलेट वाल्व ऑफ अ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन रिमेंस ओपन फॉर मतलब कि यहाँ पे अगर फोर स्ट्रोक इंजन में बात करें तो इनलेट वाल्व यहाँ पे ओपन होता है और वो क्लोज कहाँ पे होता है यहाँ पे ठीक है सो so, यहाँ पे अगर 30 डिग्री ले और यहाँ पे भी अगर 30 डिग्री काउंट करते हैं तो ये जो है अराउंड अराउंड 230 डिग्री 180 प्लस 30 यानी कि 210 वन एंड अगेन थर्टी यानी कि टू फोर जीरो लेकिन हम यहाँ पे आंसर रखेंगे टू थ्री जीरो ओके सो टू थर्टी डिग्री जितना अराउंड अराउंड ओपन रहता है ये कोई फिक्स नहीं है ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है एज पर द डिजाइन ओके लेकिन यहाँ पे आंसर होगा टू थर्टी डिग्री जितना इनलेट वाल्व टोटल ओपन रहता है ओके नेक्स्ट इन फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन द कंप्रेशन अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कंप्रेशन पे स्टार्ट होगा जब इनलेट वाल यहाँ पे बंद हो जाएगा ठीक है तब यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट होता है तो कंप्रेशन स्टार्ट आफ्टर 35 डिग्री यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं तो यहाँ पे फोर्टी डिग्री आफ्टर बी लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे आफ्टर बी होना जरूरी है यहाँ पे थर्टी फाइव भी हो सकता है फोर्टी भी हो सकता है ठीक है लेकिन आफ्टर बी जब इनलेट वाल बंद होगा उसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट होगा ठीक है सो स्टार्ट एट फोर्टी डिग्री आफ्टर बी एंड एंड ऑफ थर्टी डिग्री बिफोर टी अब यहाँ पर 30 डिग्री बिफोर टीडीसी क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको पता है कि 30 डिग्री बिफोर टीडीसी डी सी यहाँ पर स्पार्क हो जाता है तो कंप्रेशन जो है उन्होंने इतना लिया है ठीक है ये पोर्शन जो है वो उन्होंने कंप्रेशन का लिया है ओके उसके बाद यहाँ पे एक्सपांसन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से 30 डिग्री बिफोर टी से यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड 35 डिग्री बिफोर बी तक वो एक्सपांसन प्रोसेस रहेगी उसके बाद एग्जॉस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी चलो देखते हैं आगे क्या है अब यहाँ पे इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल द चार्ज इज इग्नाइटेड एट मतलब कि स्पार्क कहां पे होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया 30 डिग्री बिफोर टी डी सी बिफोर टी डी सी होना जरूरी है यहां पे 30 डिग्री भी हो सकता है 35 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है ओके सो यहाँ पे जो स्पार्क है वो एडवांस और रिटर्ड होता रहता है तो यहाँ पे बिफोर टी डी सी होना जरूरी है तो थर्टी डिग्री बिफोर टी डी सी ओके नाउ थर्टी थ्री द एग्जॉस्ट वाल्व इन फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन अब एग्जॉस्ट वाल्व की बात की है यहाँ पे सो एग्जॉस्ट वाल्व जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो यहाँ पे आ, कब ओपन होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो 35 डिग्री बिफोर बीडीसी एंड क्लोज कब होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी डी यहाँ पे क्लोज हो रहा है ठीक है सो ये हमने वाल टाइमिंग डायग्राम में देखा अब यहाँ पे देखते हैं तो एग्जॉस्ट वाल ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन ओपन 50 डिग्री बिफोर बीडीसी अब यहाँ पे 50 डिग्री है जो हमने देखा था वो 35 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री देखा था तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है लेकिन बिफोर बी होना जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया बिफोर बी डी यहाँ पे फोर्टी हो फिफ्टी हो थर्टी हो ठीक है एंड क्लॉज आफ्टर 15 डिग्री टी डी के बाद 15 डिग्री के बाद एग्जॉस्ट वाल जो है वो क्लोज होता है ठीक है नाउ 34 इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द एक्सपांसन अब यहाँ पे एक्सपांशन जो है वो कब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो एक्सपांसन है वो यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पे हम स्पार्क दे देते हैं उसके बाद यहाँ से एक्सपांसन प्रोसेस रहता है और यहाँ तक होता है ठीक so, है सो देखते हैं यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है सो so, सो so, एक्सपांशन uh, जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा तो स्टार्ट एट 30 डिग्री बिफोर टीडीसी जब कंप्रेशन का एंड होगा तब यानी कि स्पार्क होगा उसके बाद एक्सपांशन यहाँ पे स्टार्ट होगा सो स्टार्ट एट 30 डिग्री बिफोर टीडीसी एंड एंड एट द 50 डिग्री बिफोर बीडीसी ठीक है यहाँ पे बिफोर बीडीसी होना जरूरी है 50 डिग्री जो है वो 40 भी हो सकता है ठीक है 45 भी हो सकता है नाउ 35 क्वेश्चन नाउ इन फोर स्ट्रॉक साइकिल डीजल इंजन अब डीजल इंजन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे डीजल इंजन जो है उसके उसका वाल टाइमिंग डायग्राम आपको बता देता हूँ तो डीजल इंजन में इनलेट वाल जो ओपन होता है वो यहाँ पे अराउंड अराउंड 25 डिग्री बिफोर यहाँ पे टी डी सी यहाँ पर इनलेट वाल ओपन होगा उसके बाद इनलेट वाल जो है वो क्लोज़ कहाँ पर होगा ये सी आई इंजिन की बात हो रही है सो so, यहाँ पे क्लोज हो रहा है थर्टी डिग्री आफ्टर बी और उसके बाद यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होगा और कंप्रेशन कहाँ तक हो रहा है तो यहाँ पे फ्यूल वाल ओपन हो रहा है मतलब कि यहाँ पे इंजेक्टर जो होगा डीजल इंजन में जो इंजेक्टर है वो यहाँ पे इंजेक्ट होना स्टार्ट करेगा ठीक है अब ये एंगल कितना है तो ये एंगल में भी ट्वेंटी डिग्री या तो फिफ्टीन डिग्री रहेगा ठीक है अब यहाँ से इंजेक्शन स्टार्ट होगा वो और वो इंजेक्शन जो है वो 15 डिग्री आफ्टर सॉरी 25 डिग्री आफ्टर टीडीसी तक वो इंजेक्शन यहाँ पे रहेगा ठीक है तो ये जो है यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो है फ्यूल वाल्व क्लोज हो जाएगा इंजेक्टर क्लोज हो जाएगा और एक्सपांसन स्टार्ट होगा ठीक है तो जो एक्सपांसन है वो यहाँ तक होगा और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन होगा फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स चालू होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो कहाँ तक खुला रहेगा 15 डिग्री आफ्टर टी तक यहाँ पे खुला रहेगा ठीक है यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल ओपन हो रहा है 45 डिग्री बिफोर बी ओके सो एग्जॉस्ट वाल ओपन 45 डिग्री बिफोर बी एंड क्लोज 15 डिग्री आफ्टर टी तो ये था वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर सी इंजन अब यहाँ पर देखते हैं तो इन फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द इनलेट वाल्व तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ए ओपन एट 20 डिग्री बिफोर टीडीसी बिफोर टीडीसी एंड 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी ओके तो यहाँ पे 40 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है यहाँ पे 25 भी हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज रहता है फ्रेंड्स ओके नाउ नेक्स्ट इज इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द कंप्रेशन अब कंप्रेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा जब इनलेट वाल्व क्लोज होगा अब इनलेट वाल्व क्लोज कब हो रहा है तो 40 डिग्री आफ्टर बी तो यहाँ पे 40 डिग्री आफ्टर बी डी सी यहाँ पे आंसर आएगा ए इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन कंप्रेशन स्टार्ट 40 डिग्री आफ्टर बी डी सी एंड एंड टेन डिग्री बिफोर टी डी सी यहाँ पे टेन डिग्री बिफोर टी डी सी पे क्या होता है तो कंप्रेशन स्टॉप होता है और फ्यूल इंजेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है ठीक है तो यहां पे आंसर होगा ए उसके बाद नेक्स्ट फ्यूल वाल इन फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन तो अब फ्यूल वाल यानी कि इंजेक्टर जो है वो इंजेक्ट करना कब स्टार्ट करेगा तो बिफोर टी डी सी यहाँ पे फिफ्टीन डिग्री बिफोर टी डी सी ओके तो यहाँ पे भी ओके okay, यहाँ पे आफ्टर है सो so बी आएगा आंसर ओपन एट फिफ्टीन डिग्री बिफोर टी डी सी एंड क्लोज ट्वेंटी डिग्री आफ्टर टी डी सी ठीक है यानी कि टोटल ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन टोटल थर्टी या तो थर्टी फाइव डिग्री जितना वो ओपन रहता है फ्यूल इंजेक्टर ओके नाउ नेक्स्ट इज द एक्सपेंसन ऑफ द फ्यूअल इन फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में एक्सपांसन जो है वो 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी स्टार्ट रहता है जब इंजेक्शन खत्म हो जाएगा फ्यूल इंजेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा एक्सपांसन ओके सो स्टार्ट एट 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी एंड एंड 30 डिग्री बिफोर बीडीसी यानी कि अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सपांसन वाल्व एंड यहाँ तक एक्सपांसन वाल्व रहेगा फिर यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही आने वाला है सो नेक्स्ट इज इन फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन एग्जॉस्ट वाल्व ओपन 30 डिग्री बिफोर बीडीसी ओके यहाँ पे आंसर होगा 30 डिग्री बिफोर बीडीसी एंड क्लोज 10 डिग्री आफ्टर टीडीसी जैसा कि मैंने आपको वाल्व टाइमिंग डायग्राम में दिखाया था कि टीडीसी के बाद एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है तो यहाँ पे 10 डिग्री है कई बार 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी भी रहता है नाउ फोर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड रिड्यूस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी ऑफ वर्टिकल कंप्रेशन इग्निशन इंजिन कि कौन सी आ, कौन सी प्रोसेस है जिससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रिड्यूस होती है सो आंसर इज द इनलेट वाल्व क्लोजिंग बिफोर बी डी सी अगर इनलेट वाल्व बिफोर बी डी सी क्लोज हो जाता है तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी जो है वो रिड्यूस होगी कैसे रिड्यूस होगी अगर इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है तो बाहर से एयर फ्यूल मिक्सचर आना बंद हो जाएगा और उसका जो पूरा सिलेंडर है वो एयर फ्यूल मिक्सचर से वो पूरा नहीं भरेगा इसीलिए हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स ये जो सब क्वेश्चन है वो जी टी यू एग्जाम एज वेल एज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत